हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार गेम ऑन में। और हम लोग माइथोलॉजी रिटोल्ड का गेम प्ले कर रहे हैं। लास्ट गेम प्ले वीडियो में हम लोग कामोस का पीछा करते हुए ट्रॉय तक पहुंच चुके थे, और ट्रॉय की जो जंग हो रही थी उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया था एगमेनॉन के साथ। और अभी हमारी जर्नी और आगे बढ़ चुकी है, हमें ट्रॉय का डिफेंस तोड़ना था जो कि हमने लास्ट गेम प्ले वीडियो में तोड़ दिया। कामोस साला पोसाइडन का ट्राइडेंट लेके भाग चुका है, सो उसे हम लोग ट्रॉय में पकड़ेंगे या उसके बाद मिलेगा वो हमें कुछ भी पता नहीं। सो हम लोग अभी सीधा जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी मिशन में, और ये स्टोरी मिशन अब बस शुरू ही होने वाला है। तो आप लोग भी जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि किसी तरह का बहुत बड़ा ट्रोजन गेट है, जो भी है उसे हमें मिलके खत्म करना है, उसे तोड़ना है। तो मेन डिफेंस टूटने वाला है। अभी पहले देख लेते हैं इन लोगों की क्या स्टोरी चलती है। In my army. Join us, Arcanthos. You know the famous Odysseus, surely. I know of him. Your reputation precedes you. As does yours. Are you ready for the siege? We could use your advice in planning our attack. As the commander here, I have already taken care of the plans, Odysseus. You and Arcanthos will take your armies and start the siege of the gates. That's a fine start. What about the other armies? Ajax and I will keep our men in reserve. When you get through, Ajax will rush his men in to clear out the Trojan defenders. Then I will enter and rescue Helen. एगमेनॉन तो हेलेन के पीछे ही पड़ा हुआ है, और अभी ओडिसियस नाम के एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। सो यहाँ पे बिल्ड करना है और फिर जो बड़ा ट्रोजन गेट है उसे डिस्ट्रॉय करना है। ये हमारा मेन टास्क है, बाकी के साइड टास्क तो मिलते ही रहेंगे। सो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं बिल्ड अप कर लूँ और जल्द से जल्द मेरी आर्मी यहाँ पे रेडी करके अटैक के लिए जाऊँ, जो कि बड़ा सा गेट है वो तोड़ना है मुझे। Here's the gold we need. Metalefs. Leye, malista. Gold मुझे जल्द से जल्द कवर करना है यहाँ पे। Malista. गोल्ड की माइंस है और बहुत सारा फूड भी है, लेकिन गोल्ड की माइंस जो है वहाँ पे एनिमी के विलेजर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें मुझे खत्म करना होगा, उसके बाद आगे का काम हमारा बढ़ेगा। Prostagma. Vulome. और एनिमी के जो विलेजर्स काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ आर्चर भी है। अरे मेरा एक विलेजर मार देंगे ये लोग। आर्मी को जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचाना है। मार दिया सालों ने, लेकिन मेरी आर्मी अभी पहुंच चुकी है और ये लोग बचेंगे नहीं। अब मैंने भी उनके कई विलेजर मार दिए और दो चार सिपाही भी मार दिए। मैप अभी छुपा हुआ है, मुझे घूम घूम के सारा कुछ अनलॉक करना होगा। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा टाउन मिला है एनिमी का, ये खत्म कर डालते हैं अभी इसको। मैं यहाँ पे सेट करूँ, कहाँ सेट करूँ, यहाँ सेट करूँ तो सारे एनिमल्स आ जाएंगे। गधे कहाँ से आ गए? सारे गधे सप्लाई लेके आ रहे थे। पहले सारे गधों को मार देता हूँ, उसके बाद टाउन को कैप्चर करूंगा। बस बस बहुत आगे मत जाओ यार। अबे इनके कोई गेट तक पहुंच गए हम लोग। जैसे ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा गेट है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एनिमीज है। Prostagma, esto, volume. ये लोग तो गेट तोड़ने लगे। नहीं, वो कोई सिपाही के साथ फाइट कर रहे थे, एक सोल्जर था। Orthos, volume.
Έτοιμοι. Τέκτον. Τέκτον. Μα τα νύσκα και άτα μου τα μωτά. अभी हमारा ये जो ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर कैंपेनिंग चल रहा है उसके बाद शायद इजिप्शियन पे आ जाएंगे, ये खत्म होगा उसके बाद और लास्ट में नॉर्स का है। नॉर्स मतलब के ओडिन, थॉर, लोकी, उनके साथ मुलाकात होगी और इजिप्शियन में तो रा, सेट और कौन कौन है, आइसिस, सब इनके जो गॉड्स है सबके साथ मुलाकात होगी। अभी मैं चाहूँ तो उनके कैंपेनिंग भी खेल सकता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक खेलना चाहता हूँ। पहले ग्रीक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इजिप्शियन और लास्ट में नॉर्स। थोड़ा सा मुझे विलेजर मैनेजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ने प्रोस्टाग्मा मालिस्ता काम करो यार, जल्द से जल्द काम करो, फास्ट काम करो। प्रोस्टाग्मा मेटालेफ्स तने जब अभी तक लॉक नहीं हुआ यार। दो शिप्स है मेरे पास लेकिन ये वाटर बैटल नहीं होने वाली यहाँ पे। एटिमोस पानी प्रोस्टाग्मा ορθός लेजे प्रोस्टाग्मा लेजे वूलोमे बेस्ट। हीरो को आर्मी के साथ रख देते। पेगासस दो दो है, एक शायद मैंने ही जनरेट किया है। ये जो बड़ा सा गेट है ना उसे डिफेंड कर, गेट एक बार टूट गया उसके बाद ट्रॉय का डिफेंस बहुत लो हो जाएगा। एटिमस अटैक हुआ कहीं पे, पेगासस पे अटैक कर रहे हैं। टेक्टन वूलो में टेक्टन यहां पे अटैक हो रहा है, किले में से अटैक हो रहा है पेगासस पे। पेगासस बचा नहीं हमारा, खैर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा भी पेगासस है। एनिमी का पेगासस आ रहा था, उनके पास पेगासस कहां से आया। हाँ यार ये ग्रीक माइथोलॉजी है, वो सामने वाले भी सारे ग्रीक ही है तो हो गए उनके पास भी। लेगे प्रोसेसे एक कंफ्यूजन है मुझे अभी भी इसमें कि ये जो रिटोल्ड बनाई है इन लोगों ने गेम, जो ओल्ड वर्जन था उसमें टाइटंस का अलग से आता था और नॉर्मल वाला अलग होता था। टाइटंस वाले में बड़े बड़े टाइटंस अटैक करते थे, अभी इसमें पता नहीं वो लोगों ने इसके साथ इंक्लूड कर लिया है या फिर उसका कुछ अलग से डीएलसी वगैरह एक्स्ट्रा देने वाले हैं, वो अभी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया इस बारे में। कालोस यहाँ पे भी कुछ तो है, अब एनिमी का ही है सारा। हाँ ये टाउन है, ये टाउन हम लोगों ने शुरू में देखा था, उसे डिफीट नहीं किया था लेकिन अब मेरे पास इनफ आर्मी है कि मैं टाउन को तोड़ सकता हूँ। इसे एक बार मैं कैप्चर कर लूँगा क्योंकि ये भी हमारे टास्क का एक हिस्सा है, सो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और पॉपुलेशन के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा।
Ναι. Πρόσεχε. Φρυτόμος. Έτοιμοι. Βούλωμε. Κάχα πέ χαλέ ο γε. अब यहाँ पे मुझे एक विलेजर भेज के यहाँ पे टाउन क्रिएट करना है। चल कहाँ पे है विलेजर, चल आ जा तू। तो यहाँ पे अबे सबके सब क्या खेती करोगे बे, एक को मैंने सिलेक्ट किया था, सब सिलेक्ट हो गए। एक को बोला था कि तू कर। वो दो कहाँ निकल लिए है, ऑटोमेटिक का निकल रहे हो बे, यहाँ पे टाउन क्रिएट करना है। प्रोसेसर इस वाले एटिमस टेक्टन लिए मैंने बहुत सारे विलेजर को टाउन के ऊपर लगा दिया है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे हमारा टाउन बन जाए। टाउन हॉल एक बार बन गया ना फिर मजा आएगा, इनकम भी बढ़ेगी दूसरा टाउन हॉल बनने से। यहाँ से रास्ता है एस्तो। ने, मालिस्ता। एस्तो। ने, मालिस्ता। मेटालेफ्स। ये पेगासस यहाँ पे क्या कर रहा है? मेटालेफ्स। लेकिन मेरे टाउन हॉल में से उसके ऊपर अटैक हो गया है, शायद बचेगा नहीं ये। अभी और एक लेवल अपग्रेड कर लेते हैं हम लोग। इस बार लड़की वाला लिया, मेरा नाम भी नहीं हुआ देखा यार। इस बार मैंने वो गलती नहीं की लास्ट टाइम पे, तो यहाँ पे मेरे क्या बोलते हैं विलेजर बन रहे थे, इसीलिए टाउन अपग्रेड होने में बहुत वक्त लग गया था, लेकिन अभी हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। Έτοιμος. मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वॉल क्रिएट कर दूँ ताकि एनिमी की कोई छोटी सी टुकड़ी आके मुझे हैरान परेशान ना कर सके। भेजा तो है मैंने एक विलेजर को, देखते हैं कब तक ये कंप्लीट कर रहे थे। इसे भी अपग्रेड करना है, लेकिन टाउन हॉल अपग्रेड होगा उसके बाद ये सब अनलॉक होने वाला है। सो टाउन हॉल तो अपग्रेड हो गया क्योंकि म्यूजिक चेंज हो गया, हमारा एक और पावर खुल चुका है। रिइंफोर्समेंट आई, कहाँ से आई? ये क्या लेके आए यार? लेके ये पेगासस तो गया पानी फूलों में। अभी मेरे पास सेंटर भी है, सेंटर है मेरे पास, मिथिकल क्रिएचर है। जाते ही रहते थे या तो बॉल बनती देखा है, पता नहीं। लाइए इतने सारे पेगासस कहाँ से आ गए? एक वॉच टावर बनाना पड़ेगा मुझे, आर्चर टावर, जिससे कि पेगासस को मारने में और आसानी हो जाए। प्रोस्टग्मा बोलो मैं लेके ये एक तो हमारी आर्मरी है, यहाँ से और अपग्रेडेशन होता है सोल्जर्स के लिए, जो भी पहनने के शील्ड वगैरह आते हैं उसका एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन है यहाँ पे। टेक्टोन, 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 हाउस बनाना भूल गया था इस बार में, लास्ट टाइम मैंने बहुत जल्दी क्रिएट कर दिए थे, इस बार में भूल गया हाउस बनाना। थोड़ा हाउस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि आर्मी मेरी बन नहीं रही, अभी तो बैरक्स वगैरह भी बनाना है। वैसे कुछ बैरक्स मेरे पास ऑलरेडी है पहले से, और ये मल्टीप्लेयर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लेयर में बहुत ज्यादा बैरक्स बनाने पड़ते हैं। टेक्टोन
हाँ उसकी लिमिट रीच हो चुकी है, मतलब कि अभी हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही अपग्रेडेशन है यहाँ पे, एक और हीरो अनलॉक हुआ और अभी एक और होना बाकी है, लेकिन वो तब होगा जब मैं कास्टल बना लूँगा और फोर्थ एज के लिए अपग्रेड पे टाउन करूँगा, उसके बाद फोर्थ हीरो अनलॉक होगा। अभी वुड नहीं है, फूड नहीं है, गोल्ड है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं कह सकता मैं। फूड के लिए कुछ फार्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा। वैसे मैं अभी जैसे तैसे ही बना रहा हूँ, कैंपेनिंग मिशन है तो जैसे तैसे बना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हो, इसको भी खेल रहे हो, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही बिल्डिंग बनाए ताकि कम जगह में ज्यादा बिल्डिंग आ जाए और सब सिस्टमेटिक काम हो और वॉल ज्यादा बन सके, क्योंकि मल्टीप्लेयर में वॉल बनाना बहुत जरूरी है। वॉल है, आर्चर टावर है, डिफेंस मजबूत करना बहुत जरूरी है मल्टीप्लेयर में। सबसे पहले एज ऑफ एम्पायर से मुझे इतना तो आइडिया आ गया है। अभी ये मैं किला कहाँ पे बनाऊँ, तो मैं सोचता हूँ कि किला इस साइड पे बना लूँ, ये वॉल के करीब बनाता हूँ, यहाँ पे अच्छा रहेगा ताकि वहां से मैं आर्मी निकाल के सीधे पहुंचा सकूं अंदर। कोई दिक्कत ना आया तो अच्छा है उसे बनने में, क्योंकि हो सकता है कि एनिमी कैंप के बहुत करीब बना रहा हूँ तो एनिमी के सोल्जर्स अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे माइन भी है और एनिमी के सोल्जर्स विलेजर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मुझे थोड़े विलेजर लगाने पड़ेंगे जो कि प्रे करे और जो इसका इन्फ्लुएंस मिल रहा है वो गेदर करे। पेगासस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक फोर्ट्रेस बनता जा रहा है, बहुत ही करीब है एनिमी कैंप से। दिक्कत तो होगी यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मुझे आइडिया था विलेजर्स और कुछ सोल्जर्स हैं यहाँ पे, मुझे आर्मी भेजनी पड़ेगी यहाँ। फोर्ट्रेस में से आर्मी निकलेगी तब तक फोर्ट्रेस सरवाइव कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ी देर रात देख लेते हैं, उसके बाद अगर ऐसा लगता है तो हम हमारी आर्मी वहां पे भेज देंगे। म्यूजिक गजब है यार इसका। यार फोर्ट्रेस तोड़ने लगे ये लोग तो। अब तो मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, यहाँ से कुछ लोगों को भेज देता हूँ, सेंटर्स को भेजता हूँ। सेंटर ये सर में लग रहा है मुझे, ये जो वार्निंग दिखा रहा है बार बार। अभी भेजी है, अबे इन लोगों ने तो विलेजर पे अटैक शुरू कर दिया। अभी बताता हूँ भाई, यार क्या ये शेर ने तो डाल लगाई है। मालिस्ता ये मिथिकल क्रिएचर बहुत पावरफुल है, ये टेंपल से ही पैदा होते हैं, खत्म कर दिए सबको। ओह
और मेरे ये जो पेट्रोबोल्ट्स हैं, मतलब कि एक तरह के टॉप के स्पेस है, वो भी बड़े अच्छे से काम कर रही है। ऑटोमेटिक ही ये लोग जो भी आसपास की एनएवी की बिल्डिंग्स है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। खैर जितनी बिल्डिंग अभी टूटी है उतनी अच्छी है हमारे लिए। तो यहाँ पे पहले गोल्ड गैदर के लिए मैं इंतजाम कर लूँ और फोर्ट्रेस को भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। वैसे ऑलरेडी एक को तो मैंने लगाया हुआ है। Greek dogs have reached our inner walls. वॉल्स टूट जाएगी, तोड़ दूंगा वॉल्स को। और सोच रिटेक नहीं होगा, प्रोस्टग्मा पानी एक ही टेक में खत्म करेंगे। प्रोसेसे एतिमोस ने काफी आर्मी अभी है मेरे पास, हीरोज भी बहुत सारे हैं, तो बहुत ही इजी रहेगा। मेरे पास गॉड पावर भी है। ये एनिमी वाले चिल्ला रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ पे अटैक शुरू कर दिया है। वैसे उन लोगों ने भी सामने अटैक तो शुरू कर ही दिया है। अभी ये साइड से भी मुझे भेद देनी चाहिए यार, भले जितनी भी है, बाकी की जैसे जैसे बनते जाएगी बेहतर रहेंगे। ने, मालिश्ता। पे काम करो यार तुम लोग, टेक्टोन। बिल्कुल बगैर काम के खड़े हो जाते हो। यहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्दी से निपटा लेने वाले हैं हम लोग। फिजिकल क्रिएचर बहुत ही बेनिफिट दे रहे हैं। सो ये गेम खेलते हो तो फिजिकल क्रिएचर तो जरूर क्रिएट करना, और जो बड़ी वाली वॉल तोड़नी है वो यहाँ पे है पीछे। ये पावर मस्त था। ये एनएमी के सोल्जर्स यार सुअर बन गए, पीग में कन्वर्ट हो गए। अभी वो जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हें भेज देते हमारे टाउन पे, वहां जाके इनको काट कूट डालेंगे ये लोग। वॉल पे अटैक कर देना चाहिए। अब वॉल टूटने के बाद क्या होता है ये मुझे देखना है। शायद तो वॉल डिस्ट्रॉय होते ही मिशन मुझे लगता है कि फिनिश हो जाएगा। कैंपेनिंग मिशन है तो वॉल के ऊपर पूरी आर्मी से मैं अटैक कर दूंगा। ये बहुत जल्दी वॉल तोड़ देगा। लेके जितनी भी आर्मी मुझे दिख रही है सबको मैं वॉल पे भेज रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द वॉल डिस्ट्रॉय हो और हमारा आज का समापन हो जाए। The gate is down. Okay, तो फाइनली गेट तोड़ दिया गया है और ये कैंपेनिंग भी हमारा सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। और आप लोगों को आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बहुत ही जल्द मैं इसका नेक्स्ट गेम प्ले स्टोरी मिशन लेके आने वाला हूँ। सो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और हाँ शेयर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। बाय।